Hello, but let's read the question. In the list 1, we are given different types of nuclei and list 2 has their characteristics. Match the list 1 with the list 2 and choose the correct option from the choices given below. Okay. So, list 1 में हम देख सकते हैं different types of nuclei given है and list 2 में के characteristics. हमें list 1 को list 2 से match करना है. अब A में देखो तेरे क्या isotopes. Isotopes क्या होते हैं? इनका same atomic number होते हैं but different mass number. Z क्या लिख रहे हैं हम? Atomic नंबर और ये होता है मास नंबर. ठीक है, तो सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर. जेड क्या है? बेसिकली एटॉमिक नंबर. ठीक है, ए है बेसिकली मास नंबर. ठीक है, तो आइसोटोप होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है. जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप आप लिखो तो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप होते हैं ये आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं. ठीक है, तो देखो तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो ये आपके आइसोटोप हाइड्रोजन होगा. तो ए आपका मैच कर रहा है सेकंड से. ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार में क्या होता है? आपका सेम मास नंबर होता है, सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर. ठीक है, मास नंबर आपका सेम रहता है पर डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपका मैं ये लिखूं, ठीक है, ये आपका ट्रीटियम हो गया. ठीक है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, ये हीलियम हो गया. यहाँ पे देख सकते हो दोनों का जो मास नंबर है वो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. तो ये आपके आइसोबार्स हो गए, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. तो आपका बी मैच करेगा फर्स्ट से, मास नंबर सेम बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. आइसोटोन्स देखो, आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स आइसोटोन्स होते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. देखो न्यूट्रॉन्स आप कैसे फाइंड आउट करते हो? ये होता है ए माइनस जेड से. ठीक है, तो जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आइसोटोन्स का मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बेरिलियम 94 एंड बोरोन का एक. ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा. ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर आपका डिफरेंट होगा लेकिन न्यूट्रॉन्स आपके सेम होंगे. तो न्यूट्रॉन्स हम ए माइनस जेड से निकालते हैं. देखो तो ये आपका एग्जांपल है आइसोटोन्स का. इसमें देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में निकालूंगी तो 9 माइनस 4 5, इसमें निकालूंगी तो 10 माइनस 5 5. ठीक है, तो ये बेसिकली आइसोटोन्स हो गए, बेरिलियम और बोरोन. ठीक है, तो इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है. तो आइसोटोन्स बेसिकली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. तो ये मैच कर रहे हैं फोर से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. न्यूक्लियस के अंदर आपके जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस का मतलब है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का सम आपको न्यूक्लियॉन्स बताते हैं. ठीक है, सो डी आपका मैच करेगा थर्ड से. ठीक है, तो सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन बी में गिवन है. ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.